विशेष रत्न विशेष सिद्ध मंदिर छूं सहजात्म स्वरूपी स्वयं बुद्ध मूर्तामूर्त निर्विशेष रत्न विशेष सिद्ध मंदिर छूं सामान्य समन्वय शिव पार्वती अभेद भावात्मीय देवी देव भगवती भगवान छू पूर्ण संगमे प्रयाग तीर्थ दात पिता मातृत्व संपन्न दिव्य छू कोई पण अवस्था मा शिव समर्थ वीतराग जगत नाम शान मा महादेव प्रसन्न छू कल्प समाधि जय सच्चिदानंद मूर्तिमान मोक्ष छू आरती उतार
काम भस्म कर। विषय विरेचक काम भस्म कर। सब संकट हर सत मौलेश्वर। सब संकट हर सत मौलेश्वर। जय भोलेश्वर हरि ओम नमः शिवाय। जय करण अल्पाय। तुम चरणों में त्रिकरण अल्पाय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। संत पुरुष ना जोग जपो बल। संत पुरुष ना जोग जपो बल। जग कल्याणो मौन तपो बल। जग कल्याणो मौन तपो बल। सब दुख भंजक त्रिलोचन धर। सब दुख भंजक त्रिलोचन धर। त्रिरिंगो निभ्रांति थियो पर। शिवाय। जय ज्योतिर्लिंग हरि ओम नमः शिवाय। मूढ़ जीव कंकरे शिव आलिंगाय। मूढ़ जीव कंकरे शिव आलिंगाय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। शंकर तुम्हारासल उमा शंकर। गौरी गजानन सद्बुद्धीश्वर। गौरी गजानन सद्बुद्धीश्वर। प्रीति सिद्धि दाता भय हर। प्रीति सिद्धि दाता भय हर। देव श्री सर्पेश्वर। देव पूजिता श्री सर्पेश्वर। जय हो लिंग हरि ओम नमः शिवाय। जय हो लिंग हरि ओम नमः शिवाय। चक्र अनाहत स्वयं खुली जाए। चक्र शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। सचर स्वयंभू अहि थि विचरे। सचर स्वयंभू अहि थि विचरे। अचर प्रकाशे खूणे खाचरे। अचर प्रकाशे कापे अंधकार आरती ताने। कापे अंधकार आरती ताने। शिव सत सुखिया आत्मा रमाड़े। शिव सत सुखिया आत्मा रमाड़े। जय हो निर्भय हरि ओम नमः शिवाय। जय हो कल्याणेश्वर करुणावर साय। कल्याणेश्वर करुणावर साय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। आरती उतारिने अमृत पीवाय। आरती जय शिव शंकर हरि ओम
नमः शिवाय। जय शिव शंकर हरि ओम नमः शिवाय। 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 भगवान शिव कौन है, शिव स्वरूप कैसे बन सकते हैं, इसके अद्भुत स्पष्टीकरण विवरण करते हुए परम पूज्य दादा भगवान ने शिव की पूजा भक्ति के पीछे रहा हुआ विज्ञान व वैज्ञानिक रहस्य जगत के समक्ष खुले किए हैं। शास्त्रकारों ने शिवलिंग तथा पार्वती देवी की मूर्ति शिवालय में रखी है, इसके पीछे विज्ञान रहा है। शिवलिंग निरंजन निराकार आत्मा का रूप है। पार्वती माता प्रकृति का प्रतीक है। कछुआ विष्णु का स्वरूप है तो नंदी सगुण स्वरूप का वाहन है। जैसे कछुआ भय के सामने अपने सभी अंगों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही जब हम भी काम क्रोध लोभ मान माया आदि कषायों को संकुचित करके कम करके अंतर्मुख हो जाएंगे, तभी शिव तत्व को प्राप्त कर सकेंगे। शिवलिंग पर गंगा जल की अविरत धारा का अभिषेक होता रहता है, वैसे ही जीवात्मा पर ज्ञान का निरंतर अभिषेक होता रहेगा, तभी शिव स्वरूप बन सकेंगे, परमात्मा बन सकेंगे। बेलपत्र प्रकृति के तीनों गुण राजसी तामसी और सात्विक का प्रतीक है। बेलपत्र चढ़ाने से शिव की पूजा सार्थक होती है। इसका सांकेतिक अर्थघटन ऐसा है कि जब हम प्रकृति के तीन गुणों से परे होंगे, बेलपत्र द्वारा हमारी त्रिगुणात्मक प्रकृति शिवजी को अर्पित कर देंगे, तभी स्वस्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। शिव और पार्वती अर्धनारी नटेश्वर ये प्रकृति और पुरुष के सूचक हैं। अर्धांग में नारी पार्वती अर्थात प्रकृति साथ में रहते हुए भी शिव को स्पर्श नहीं कर सकती, आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकती। मन वचन कायारूपी त्रिशूल होते हुए भी जो जगत का प्रतिकार इस त्रिशूल से नहीं करते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को शिव कहा जाता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को नमस्कार करने से हमें जगत के जहर विष पचाने की शक्ति प्राप्त होती है और हम भी नीलकंठ बन सकते हैं। ओम नमः शिवाय अर्थात शिव स्वरूप को नमस्कार करता हूं, जो कल्याण स्वरूप है, जिन्हें जगत की विनाशी चीज की कामना नहीं है, जो क्षायिक समकितधारी है, वे शिव हैं, वे ही महादेव है, वे ही आत्मा है, वे ही मिश्र चेतन में ओमकार रूपी बिंदु संयुक्तम है, जीवंत साकार निराकार निरंजन सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कई लोगों का कल्याण करते करते पूर्ण रूप से सिद्ध बन जाते हैं। मैं हूं इस अस्तित्व का स्वीकार तो सभी करते हैं, लेकिन मैं कौन हूं यह जान ले वे वस्तुत्व को प्राप्त करते हैं और फिर पूर्णत्व की ओर प्रयाण करते हैं तथा कंकर में से शंकर बनते हैं। दरअसल मैं की पहचान के लिए यह महामंत्र ओम नमः शिवाय ज्ञानी के प्रत्यक्ष योग प्राप्ति की भूमिका रचने वाला है। शिवलिंग की उपासना करके हम भी त्रिलिंग अर्थात स्त्रीलिंग पुरुषलिंग नपुसकलिंग से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्यक्ष शिव स्वरूप
ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन करके हम शिव स्वरूप बन सकते हैं। मनुष्य को आधि व्याधि उपाधि के तीन शूल हमेशा चूपते रहते हैं। हमने राग द्वेष से जो जो गांठें बांधी है, वाणी से जो जो जहर दिए हैं, उन्हीं की प्रतिध्वनि फिर से हमारे पास आती है। इस वास्तविकता को स्वीकार करके ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए जरूरी है कि हम वापिस दूसरों को जहर देना बंद करें। सबसे बड़े देव यदि कोई है तो वे हैं महादेव। आत्मदेव महादेव कहलाते हैं। ऐसे महादेव के दर्शन, पूजन, भक्ति, उपासना करते हुए हम हृदय से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, मुझे भी आप जैसे प्रत्यक्ष शिव स्वरूप ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो। मैं निरंतर उनकी खोज में रहूं और उनका योग प्राप्त होने पर उनकी ही आज्ञा की आराधना में रहने का दृढ़ निर्णय निश्चय करता हूं। ऐसी भावना करने से महादेव का साक्षात्कार प्रत्यक्ष योग निःसंदेह होता है। भक्त कवि अखाजी ने लिखा है, जो तू जीव तो करता हरी, अने जो तू शिव तो वात खरी। दूसरे शब्दों में कहें तो आई विथ माय इज जीवात्मा एंड आई विदाउट माय इज गॉड मींस शिवात्मा। जहां जहां माय यानी कि मेरा आता है, उन सभी को बेल पत्र की तरह प्रभु को समर्पित करें और कहें, मेरे मन वचन काया, नाम तथा नाम की माया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में, शिव के सुचरणों में समर्पित करता हूं। और इस माय मेरा मेरा को प्रभु को अर्पण करने के बाद हमारे पास अब शेष क्या रहता है? हमारा स्वस्वरूप, आई मैं रहता है। यही शिव है, यही परमात्मा है।